ठीक। तो ये प्रोग्राम समझ में आया था कि नहीं आया था सबको? आ गया था, क्लियर है? ठीक है, चलो एक और प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक, सबको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, चलो न्यू हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी नंबर को चेक करेंगे कि वो इवन है या नहीं है। क्या हम लोग चेक करेंगे? राइट है प्रोग्राम, चेक वेदर ए नंबर इज इवन और नॉट। ठीक है, क्या है हमारा प्रोग्राम? किसी नंबर को हम लोग को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है। अब इवन है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? नेटवर्क इशू भी बहुत होते हैं। अभी आ रही क्या वॉइस? अभी आ रही ना? ठीक। तो कैसे बनेगा बताओ, इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे हम लोग? ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट नम। ठीक है, इंटीजर टाइप का मैं एक नंबर के लिए वेरिएबल ले लिया हूँ। ठीक है, उस नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि वो इवन है या नहीं है। ठीक है, कैसे हम लोग चेक करेंगे बताओ? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताइए पहले, फिर बुक बताऊँगा मैं। वो कमल प्रकाशन का बुक है। क्लास अटेंड, हाँ क्लास अटेंड करना छोड़ के अब बुक लेने आए हैं अभी? ठीक है, ओके। ठीक है, इनपुट मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको? मल्टीप्लिकेंट होना चाहिए किसका? टू का मल्टीप्लिकेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर को टू से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक क्या है हमारा? कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए टू से। ठीक है, कैसे चेक करेंगे टू से डिविजिबल है कि नहीं है? ठीक है, देखो नंबर को डिवाइड कर दो टू से। ठीक है, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं टू से। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा? ये परसेंट कौन सा ऑपरेटर है बताओ, कौन सा ऑपरेटर है? रिमाइंडर वाला ऑपरेटर नहीं, कौन सा ऑपरेटर, उसका नाम क्या है?
अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर पांच अलग ऑपरेटर है, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर है ये वाला मॉडुलस ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। नंबर को टू से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, और क्या रिटर्न करके मिलेगा हम लोग को, रिमाइंडर रिटर्न करके मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो रिमाइंडर होगी, उस रिमाइंडर को अगर हम लोग जीरो से कंपेयर कर लें, ठीक है, रिमाइंडर को अगर हम लोग जीरो से इक्वालिटी चेक करें उसका, मतलब वो जो नंबर होगा वो अगर टू से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है, जीरो इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन जो हमारा ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, इवन है, क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो हम लोग लगा दिए इफ, ठीक है, इफ के अंदर कंडीशन में हम लोग क्या डाल दिए, नंबर को अगर टू से डिवाइड कर दें हम लोग, जो रिमाइंडर आएगा अगर उस की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आना चाहिए और वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग सेवन डाल दिए, ठीक है, नंबर की वैल्यू सेवन है तो क्या होगा, सेवन को टू से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, थ्री पॉइंट आएगा, रिमाइंडर बताओ ना, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर, रिमाइंडर वन बचेगा, ठीक है। तो वन इक्वल टू जीरो होगा क्या, सही है क्या, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, वन इक्वल टू जीरो, फॉल्स आएगा, 100% फॉल्स आएगा, कि किसी को लग रहा है कि वन जो है जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है, किसी को लग रहा है ऐसा, नहीं लग रहा है, ठीक है, चलो माइक बंद कर लो अपना, ठीक है। देखो यहाँ लॉजिक क्या है हमारा, इफ नंबर मॉड टू इक्वल टू जीरो, कौन चैट कर रहा है यार, क्यों मैसेज भेज रहे हो बार बार, वॉइस नहीं आ रही है लिपिका, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, समझ में आया कंडीशन अपना, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू आता है तो ये ट्रू वाला ब्लॉक है हमारा, ठीक है, तो ये ट्रू वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, आया समझ में, ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट नंबर परसेंट डी, मतलब क्या है हमारा जो नंबर है इज इवन, आया समझ में। चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको करते हैं कंपाइल, कंट्रोल सॉरी ऑल्ट प्लस F9, कंपाइल हम लोग कर लिए और इसको करते हैं रन, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ 23, ठीक है, यहाँ पे क्या डाला मैं, 23 डाला, अब बताओ कि नंबर इवन है या फिर नहीं है, इवन है नंबर, नहीं है, ठीक है, अब देखते हैं कि नहीं है, कुछ भी नहीं बताया, मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ 22, नंबर इवन है, ठीक है, तो देखो बताएगा, नंबर 22 इज इवन, क्लियर है प्रोग्राम, समझ में आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो प्रोग्राम का, किसको, वो तो कमेंट है, वो कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेरा कैप्स लॉक अटक रहा था तो मैं वैसे ही लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, कमेंट है ना, डबल स्लैश में जो लिखते हैं हम लोग कमेंट होता है, ठीक
ठीक है, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है ना, जो कमेंट में रहती है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट सभी लोग, समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, कॉपी में लिखते जाना साथ साथ, है ना? ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी में लिख लो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट लिखो, है ना, एकदम फास्ट लिखना। ठीक है, अगला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, एक नया लॉजिक। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक या फिर टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर में से कौन सा बड़ा है वो हम लोग को बताना है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, अब कैसे निकलेगा बताओ, 3 नंबर हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, ए में 10 है, बी में 20 है, सी में 30 है। हम लोग के आउटपुट में आना चाहिए सी इज ग्रेटर। कैसे कंपेयर करेंगे, सोचो फटाफट सोचो। वॉइड मेन और गेट सी एच लिखने तक हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो काम हमारा क्या है, 3 नंबर चाहिए हम लोग को, इंट नम। ठीक है, या फिर मैं इसको ए बी सी, नहीं नेस्टेड वेस्टेड कुछ नहीं पढ़े हम लोग, हम लोग को सिर्फ अभी सिंपल इफ आता है, उसी से बनेगा। ठीक है, सिंपल इफ से ही बनाना है हम लोग को अभी। जल्दी बताओ, ऐसा लिखेंगे, चलो देखते हैं अपन कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे देखना। ठीक है, ठीक है, लॉजिक इसका देखना क्या है। ठीक है, हमारे पास 3 नंबर है, क्या है हमारे पास 3 नंबर है हमारे पास, ए बी और सी। सबसे पहले ए को पकड़ लो, ठीक है, माइक बंद कर लो, जिसका भी माइक ऑन है ध्यान से सुनना। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, एग्जाम में 110% आएगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, 3 नंबर है हमारे पास, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी 3 वेरिएबल है और 3 वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक वैल्यू को पकड़ो और बाकी दोनों से कंपेयर करो। सबसे पहले ए को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा। ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन सी, आया समझ में, ए को पकड़ो और बी और सी से कंपेयर करो। ठीक है, हम लोग क्या लिखे, ए इज ग्रेटर देन बी और
ए इज ग्रेटर देन सी, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ए बड़ा है, मतलब ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ ए इज ग्रेटेस्ट। क्लियर है, समझ में आया? सबसे पहला लॉजिक है क्या है हमारा, ए को पकड़े, बी और सी से कंपेयर कर लिए, ठीक है, बी और सी से कंपेयर कर लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या रहेगा देखना, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग का क्या है, बी को पकड़ेंगे और ए और सी से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सेकंड लॉजिक क्या है हमारा यहाँ पे, अब हम लोग को पकड़ना है बी को और ए और सी से कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम वैसे इफ ठीक है, इफ हम लोग लिख लिए, अब हम लोग पकड़ेंगे बी को, बी इज ग्रेटर देन क्या ए एंड एंड ठीक है एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन ए सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रिंट एफ ठीक है, बी इज ग्रेटर चयनित छात्र का नाम ठीक है, बी इज ग्रेटर हम लोग कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सी को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, सी को। ठीक है, सी को हम लोग पकड़ लिए, अब सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तीनों लॉजिक हमारा लग गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल करके रन करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या किया हम लोग यहाँ पे, क्या किया हम लोग यहाँ पे, लॉजिक क्या है हमारा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग लगाए इफ, ए को पकड़े और बी और सी से कंपेयर कर लिए। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये लगाए हैं हम लोग, कौन सा ऑपरेटर है ये एंड जो हम लोग लिखे दो बार एम्परसेंड, कौन सा ऑपरेटर है वो, लॉजिकल ऑपरेटर। बहुत बढ़िया, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि किसी दो कंडीशन में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू आता है तभी ओवरऑल ट्रू हम लोग को मिलेगा। आया समझ में, ओवरऑल ट्रू तभी हम लोग को मिलेगा। अगर ये कंडीशन एक भी फॉल्स हो जाता है, इसमें से दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो कंडीशन ओवरऑल फॉल्स हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो तीनों में हम लोग एंड लगाए हैं और नहीं लगाए हम लोग। ठीक है, दोनों कंडीशन को हम लोग को चेक करना है कि वो ट्रू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव मैंने कर दिया, इसको करते हैं कंपाइल। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, और हम लोग करते हैं रन, एंटर ए। ठीक है, ए की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 10, बी की वैल्यू डाल रहा हूँ 23, सी की वैल्यू डाल रहा हूँ 30, कौन सा बड़ा है बताओ। सी बड़ा है पक्का,
ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जो बी बड़ा है बोल रहा है, सी बड़ा है ना। ओके ठीक है, एंटर दबाते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। सी इज ग्रेटर बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग तीनों को बड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा प्रोग्राम गलत बना है। ठीक है, अब मैं ए को डालता हूँ 55, बी को डालता हूँ 44, ठीक है, सी को डाल रहा हूँ मैं 33। कौन सा बड़ा है बताओ। क्या बड़ा है? ए बड़ा है। ठीक है, देखते हैं क्या बताया। ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, सही प्रोग्राम। ठीक है, अब बी को बड़ा करते हैं। ठीक है, मैं बी में डाल रहा हूँ, ए में डालते 66, यहाँ पर डालते 99, और यहाँ पर डालते हैं 12। ठीक है, कौन सा बड़ा है? बी बड़ा है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? बी इज ग्रेटर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया प्रोग्राम? ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल सिंपल इफ का। सिंपल इफ को यूज करके हम लोग क्या बनाए हैं, ये प्रोग्राम बनाए हैं। ठीक है, लॉजिक समझ में आएगा। अब ऐसे ही लॉजिक पे ही बनेगा पूरा प्रोग्राम। ठीक है, तो हम लोग को सोचना भी वैसे ही है। अगर ये लॉजिक सोच पा रहे हो तो प्रोग्राम बना पाओगे। लॉजिक्स यहाँ पे बिल्ड करना है अपने आप का। ठीक है, पूरे प्रोग्राम इस लॉजिक पे ही काम करते हैं। अगर लॉजिक नहीं बना पा रहे हैं तो प्रोग्राम भी नहीं बनेगा। लॉजिक गलत लगाओगे तो प्रोग्राम का आउटपुट भी गलत आएगा। आया समझ में? लॉजिक गलत लगाओगे, अगर मान के चलो यहाँ ग्रेटेस्ट, ग्रेटर की जगह यहाँ पे, सॉरी, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दिए तो लॉजिक गलत हो गया। आया समझ में? तो जहाँ पे ग्रेटर देन लगना है वहाँ ग्रेटर देन ही लगेगा। क्लियर है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, लॉजिक समझ में आना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक अगर पकड़ लिए मतलब प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। अरे वही तो चीज़ समझाया मैं। देखो एकदम सिंपल तरीका, कुछ नहीं है, दिमाग खोल के रखना बस। ठीक है, तीन नंबर है हमारे पास। कौन कौन सा नंबर है? ए, बी और सी। ठीक है, तीन नंबर है हमारे पास, ए, बी और सी। ठीक है, अब सबसे पहले ए को पकड़ लो, ए को पकड़ो और बी और सी से कंपेयर करो। कंपेयर करना मतलब तुलना करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वही किए, ए को पकड़े। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी हम लोग कर लिए। ठीक है, फिर ए इज़ ग्रेटर देन सी हम लोग कर लिए। ठीक है, कंपेयर हो गया। अगर दोनों से बड़ा होगा तो क्या बड़ा होगा? ए बड़ा होगा, है ना? अगर ए जो है वो बी और सी से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा? ए बड़ा होगा, है ना? ठीक है, ये हो गया ए का। अब हो गया ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हम लोग किसको पकड़ेंगे? बी को पकड़ लिए। अब बी को छोड़ के कौन कौन से बच गए नंबर? ए और सी बच गया। ठीक है, तो बी को कंपेयर हम लोग कर लेंगे ए से, बी इज़ ग्रेटर देन ए, देन उसके बाद बी इज़ ग्रेटर देन सी।
ठीक है, बी इज ग्रेटर देन सी हम लोग कर लेंगे, क्लियर है, सेकंड हम लोग का कंडीशन हो गया। अब थर्ड क्या है यहाँ पे, सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, अब सी को पकड़े और ए और बी से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, सी के अलावा कौन कौन सा है वेरिएबल हम लोग के पास, ए और बी है, ठीक है, तो सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे हम लोग तीनों कंडीशन में यहाँ लगाया है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग दो कंडीशन के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे और दोनों कंडीशन को चेक करेंगे कि दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ओवरऑल ट्रू मिलेगा, मतलब ये ओवरऑल एक सिंगल कंडीशन है, अभी सिंगल कंडीशन के अंदर दो कंडीशन है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन को चेक करेगा कि ट्रू है या नहीं है, दोनों अगर ट्रू मिलेगा तो पूरा का पूरा ये इफ कंडीशन का रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा। आया समझ में, किसी कुछ डाउट है अब? नो डाउट, ऑल क्लियर, ठीक है। तो इसी प्रकार से लॉजिक बनाना है और प्रोग्राम भी बनाते जाना है। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक बना पा रहे हो तो प्रोग्राम बना पाओगे, सीधी सी बात, ठीक है, हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग आप लोग को भी लगाना है, ठीक है, जब पढ़ा रहे हैं तो दिमाग खोल के बैठना है, कॉपी खोल के बैठना है, पेन हाथ में रहना चाहिए। आए समझ में? ठीक है, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ, स्मॉलर के लिए लेस देन लगा लो, हाँ उल्टा कर दो उसको, लेस देन, अभी ग्रेटर देन कर रहे हैं वहाँ, लेस देन लगा लो सब में, स्मॉलर के लिए निकल जाएगा, ठीक है, हम लोग अपनी तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसा हम लोग हमारी मर्जी वैसा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है क्या? हाँ, जो बुक्स मैं बोल रहा था, एक कमल प्रकाशन की बुक आती है, ठीक है, अगर लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होगी तो मार्केट में भी मिल जाती है, वो ले सकते हो, अच्छी बुक है, ठीक है, वैसे उसका भी कंटेंट अच्छा है, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो भी बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। ठीक है, नोट्स नहीं समझ में आ रहा है कि किसी को, ऐसा है क्या? ठीक है, इजी लैंग्वेज में है, ज़्यादा तामझाम उसमें नहीं दिया है, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं बताया हूँ उसमें, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी लिखना है तो वैसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट ही लिखना है, ठीक है, कहानी बना के नहीं लिखना पड़ता है कभी भी, ठीक है। एग्ज़ाम्स के पेपर जो इस साल के तुम लोग को न्यू कोर्स के आए हैं, ठीक है, वो मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में, ठीक है, लाइब्रेरी से जैसे ही मुझे मिल जाएगा और मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो उसे एक बार देख लेना न्यू कोर्स के लिए कैसा आता है, ठीक है, वैसे कुछ अलग नहीं है क्योंकि क्या, हाँ व्हाट्सएप में भी डालूंगा, ठीक है। तो और कुछ पूछना है किसी को? अटेंडेंस लग गया सबका? बोलो। तो मैं तो पहले ही बोला था ऑपरेटर्स को पूरा ध्यान में रखना है, कब ऑपरेटर कहाँ पे यूज होगा वो हम लोग को ध्यान पे रखना है ना, ऑपरेटर्स एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब बिना ऑपरेटर्स के तो प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हैं, कुछ भी कर लो ऑपरेटर डेटा टाइप यूज़ करना ही करना है, हर जगह यूज़ होगा, हर प्रोग्राम में यूज़ होगा, बिना डेटा टाइप बिना ऑपरेटर के तो काम बनना ही नहीं है।
है समझ में? ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? ठीक है, कुछ भी पूछना होगा तो ऐप में या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। अच्छा, मैसेज करते हो तो टैग करके मैसेज किया करो, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग चैट करते रहते तो वो दब जाता है। टैग करना आता है ना, @ करके वहाँ पे लिख लेना।